ये इंडिया से आई हुई है बंटे की बोतलें, ठीक है, ये तब से चल रही हैं। नवा बंटे से इसको प्रेशर देना इन्होंने, ये थप्पड़ लगाया और बंटा नीचे जानिए गिर जानिए पी ले। ये जैसे स्प्राइट के बोतल में नमक डालो ना उस पर का हाल होता है ना, इसका भी सेम हाल है। तो कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा बेहतर आप पी के फूल एकदम जो है ना ठंडे हो जाते हैं। रहमान रहीम सलाम अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे। तो भाई आज के ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि मैं और अली बस निकले हुए थे बाहर और ब्लॉगिंग के लिए निकले थे, गर्मी इंतहा किया आज धूप से आपको मालूम हो ही रहा है और अली साहब तो बटन भी खोलने लगे हुए हैं। हमने सोचा कुछ ठंडा दिया जाए, तो ठंडा पीने के लिए हम लोग अभी आए सियालकोट बेड़ीवाला चौक महाराजा रोड, हम लोग मौजूद है अभी सियालकोट बेड़ीवाला चौक और हम क्या पीने आए हैं, बिल्कुल सामने आपको दुकान नज़र आ रही है बाजवा सोडा वाटर। यहाँ की बंटा बोतल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है और मैं और अली अक्सर औकात जो है ना भाई के पास आकर ये बंटा बोतल पीते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है। सलाम सर, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान, थोड़ा सा अपनी दुकान के बारे में बताएं, कितने साल पुरानी है, किसने स्टार्ट की। सर ये तकरीबन कम से कम से ना कोई 70-80 साल हो गए हैं दुकान को, ये तीसरी पीढ़ी जा रही है, ठीक है। पहले मेरे दादा अबू थे, फिर बाबा थे, फिर मैं हूँ बैठा हुआ, अब तीसरी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। यानी क्या इंडिया पाकिस्तान के टाइम की है दुकान ये, माशाल्लाह से। इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की यहीं पर। जी यहीं पर दुकान है, ये इंडिया से आई हुई है बंटे की बोतलें, ठीक है, ये तब से चल रही हैं। और आप जो है क्या क्या चीज़ें क्या क्या सेल करते हो। दूध सोडा है, दूध बादाम है, बंटा बोतल है, लेमन सोडा है और खारा सोडा है, वो जो उस कंज्यूमर में डलता है, ये चार पांच आइटमें हैं। अच्छा मैं आपकी जो है ना बंटा बोतल देख रहा था, ये देखे बड़ी इसकी ना एक अजीब सी शेप है, तो ये स्टार्ट से इसी तरह की है पाकिस्तान बनने से पहले जब काम स्टार्ट किया था। बन के आई हुई है, इधर नहीं बनी हुई, पाकिस्तान में नहीं बनी, इंडिया से बन कर आई। ये आज तक वो बोतल है, आज तक वो चल रही है। चले अभी हम लोग जो है ना भाई की बंटा बोतल भी पीते हैं और भाई का थोड़ा सेटअप अभी आपने भरनी है बोतलें। अभी बोतलें भरनी है हमने भाई। लोग बोतल किस तरह भरते हैं और ये बंटा किस तरह से ऊपर वापस आता है ये भी आप लोगों को दिखाते हैं और भरते हैं किस तरह, टेस्ट करके भी आप लोगों को इनकार करते हैं। ने भाई से पूछा है, इजाज़त ली है कि हम लोग अंदर से विजिट कर लें दुकान का जहाँ पर ये बोतलें भर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी 100 बार करें। तो ये सबसे पहले तो भाई की दुकान के पीछे वाला दरवाज़ा ये देख के पता चलता है दुकान कितनी पुरानी है, क्योंकि ये लकड़ी के दरवाजे जो है ना ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले सिखों के दौर में जो है ना इस्तेमाल होते थे और आज भी ये लकड़ी का दरवाज़ा जो है ना हमारे लोहे के दरवाज़ों से ज़्यादा मजबूत है, इतना मोटा दरवाज़ा। दुकान के अंदर हो गए हम लोग दाहिल और यहाँ पर जो है ना एक भाई जो है तैयारी करने लगे हुए थे दूध छूट डाल के दूध सोडे की, और ये जो है ना इनकी मशीनें पड़ी हुई हैं जिनसे वापस जो है ना भरा जाता है दूध सोडे की बोतल को और बंटा बोतल को। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है भाई। जी सर जी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है भाई से हमने पूछा, भाई बता रहे थे कि ऑक्सीजन की वजह से बंटा जो है ना दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है प्रेशर की, ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से। और भाई वीडियो में तो नहीं आना चाह रहे दूसरे भाई जो भरते हैं, उन्होंने खैर हमें ये बताया कि ये वाली दूध सोडे की मशीन है, इससे दूध सोडे की बोतल को भर के बंद किया जाता है और ये मशीन जो है ये बंटा बोतल की है, यहाँ पर बीच में रखा जाता है मशीन को भर कर यहाँ से ही जो है बंटा ऊपर आ जाता है। क्या ना मैं बोतल भर के दिखाएंगे बंटा बोतल, ये रखी फसाई है इन्होंने उल्टी की और ये मशीन से बंटा बोतल भर दी है, ये बंटा ऊपर आ गया है, ये देखें जी कमाल, ये वॉश करने के बाद बोतल इस तरह बढ़ी। दूध सोडे की बोतल जो है ना वो भर गया, हमें दिखाते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर के जो है ना प्रेशर के साथ ही दोबारा वापस ऊपर आ गया बंटा, ये दूध सोडे वाली मशीन, पानी पहले निकाला इन्होंने अच्छे से और ये रही बोतल अंदर रखी है, खुला कर रहे हैं नीचे से भाई जान, खुला कर दे भाई थोड़ा ताकि बोतल साइज पर पूरी आ जाए, और दूध पहले डाल दिया, ये बोतल भर भी दी, ऊपर ही साथ जो है ना ये देखे ढक्कन लग रहा है ये पाँव से भाई, ये देखें ये दूध सोडा मिक्स करके ऊपर ये ढक्कन भी साथ ही शेजान का और दूसरी बोतलों का ये लग रहा है। इस मशीन की मदद से ये पुरानी मशीन है भाई ने बताया, इन्हीं की मदद से ये भर रहे हैं इनको।
अब हम पीते हैं और आपको इसका रिव्यू करके दिखाते हैं। अभी जो है बोतल पीने लगी है बंटा बोतल, ये खुलती किस तरह है ये देखें, ये ऊपर क्योंकि बंटा प्रेशर से आ जाता है। ये ओपनर एक सेकंड दिखाएं, ये ओपनर है, ये लकड़ी का बना हुआ है, बंटे से इसको प्रेशर देना है इन्होंने। ये थप्पड़ लगाया और बंटा नीचे। ये बोतल मैं आपको बता दूं कि ये शेप इसलिए रखी गई है कि बंटा बिल्कुल नीचे ना चले जाए है, और ऊपर से इसको इतना खुला नहीं किया गया है। ये पहले बनने से पहले बंटा अंदर जो है ना इसके डाला गया है, और ये हमेशा से स्ट्रॉ डालकर ही पी जाती है बोतल। ये नहीं सर बंटा, ये देखें, ये प्रेशर से जब ऑक्सीजन से भरते हैं प्रेशर से बंटा ऊपर आ जाता है, और ये आज़ादी से पहले की इसी तरह। चलिए भाई, काला नमक यहाँ पे रखा हुआ है जिसके साथ इसका जो है ना मज़ा दुबाला हो जाता है डब्बे के बीच। ये स्ट्रॉ अली भाई ने डाला है, बहुत तो सारा नमक लगेगा इसके अंदर और अब ये अंदर पहले फूंक मारनी पड़ेगी। अली भाई की हो गया, गिर जानी है, गिर जानी है, पी ले। ये जैसे स्प्राइट की बोतल में नमक डालो ना उस वक्त हाल होता है ना, इसका भी सेम हालत होती है। अली भाई ने नमक ज्यादा डाल लिया, गैस बहुत ज्यादा होती है, इसका एहसास नहीं था। अली भाई मजेदार मजेदार कमाल मजेदार। पंजाबी में जैसे कहते हैं अंतों की गर्मी आजकल पड़ रही है पाकिस्तान में, सियालकोट में 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा है, उस गर्मी के बीच ये बंटा बोतल आपको बंदे को फुल ठंडा कर देती है। इसकी मैं आपको प्राइस बताता चलूँ तो आजकल कोल्ड ड्रिंक जो आम मिल रही है ना वो 40 की मिल रही है, मिकदार में इससे कम होती है, और आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स का जो है नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। बंटा बोतल जिसके मटेरियल के भी पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर इसको ऑक्सीजन से भरना है, इसको भरना दोबारा, इसकी प्राइस भाई जान कितनी है? 50 रुपीज़ सर, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये बंटा बोतल, और इसके दूध सोडे की भी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। और कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा बेहतर, आप पी के फुल एकदम जो है ना ठंडे हो जाते भाई। माशाल्लाह यार बहुत अच्छी, बहुत अच्छा आइडिया इसके अंदर, और देखें बोतल वगैरह से कोल्ड ड्रिंक से बहुत बेहतर है, अलग चीनी से इसमें कोई ऐसा। अच्छा भाई जान, अगर ऐसी गलत चीज डाली हुई आप बताना चाहें कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल होता है मुकम्मल बेशक ना आपने? सिर्फ चीनी है और फ्लेवर है कुछ, ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो नुकसान दे इंसान को, जो अंदर नुकसान दे। ये मैदे के लिए मुफीद है, ये हर बंदे के लिए अच्छी है। जो है वो आप लोग सोच ही रहे होंगे कौन सा यूज होता है इसमें सोडे के लिए, ये देखिए ये फिल्ट्रेशन प्लांट अंदर ही इन लोगों ने लगाए हुए हैं, ताकि सारी बात है कारोबार है बाहर बार बार ना जाना पड़े, और फिल्टर्ड ही पानी जो है ना सारा यूज़ होता है। और ये भाई देखे कितनी महारत है, कितनी जल्दी जल्दी भर रहे हैं बोतलें। बंटा बोतल पी के हम लोग तो हो गए फारिक, दूध सोडा तो पूरे शहर में मिलता है, बंटा बोतल कहीं कहीं मिलती है? आप किस सिटी से देख रहे हैं और आपकी सिटी में बंटा बोतल इस तरह की कहीं मिलती है कि नहीं मिलती? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके लाजमी आप लोगों ने बताना है। लोकेशन एक बार मैं आपको फिर से जो है ना कन्फर्म कर दूँ, ये है देरी वाला चौंक, वो रोड जो सामने जो बाइक चाहते जा रही है वो रोड आ रही है अड्डा शहबाजान से, और ये रोड आ रही है महाराजा रोड, और महाराजा रोड देरी वाला चौंक बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल सामने बाजवा सोडा वाटर, ये असल दुकान है, और इनका जो जायका है ना वो 70 साल पुराना जायका है। अली साहब कैसी लगी आज भाई बंडा बोतल आपको? बहुत अच्छी है। अली ने पहले नहीं थी पी, इसको लास्ट संडे को मैंने पिलाई थी, ऐसा ही है, उसके बाद भी दो दफा आया, उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने पिलाई थी, चवल्ला मारा कर, फर्स्ट टाइम तो नहीं पिलाई थी, तभी मैंने पिलाई, मतलब मैं ही लेके आया था, नहीं मैंने की, हां 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 चल वो बात खुश हो जाए निजी गल करके असल बात पे। तो अली साहब कैसी लगी? यार बहुत अच्छी लगी है, मैंने उसने भी बताया था जैसे कि बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, गर्मी के बीच बंदा फुल ठंडा हो जाता है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, फिल्टर होकर पानी आ रहा है, और बंदे भी आपको हम लोगों ने दिखाया है। जो लोग सियालकोट से उन लोगों ने अभी तक पी है कि नहीं पी, अगर नहीं पी तो उन लोगों ने लाजमी आकर पीना है भाई, आपको सुबह के टाइम सर्विसेज यहाँ पर देंगे, शाम के टाइम इन्होंने रहन के वालिद या चचा जान यहाँ पर होते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? अली साहब ब्लॉग कैसा लगा, क्या करना है लोगों ने भी? इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा, इतनी तो उम्मीद है, हमने इतनी मेहनत की है, और अब आप सब ने बस प्यार से उसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके बाकी वो आप बता दो ना आपको साथ में, मुझे घंटी पर आपने क्लिक करना है ताकि मेरे अगले आने वाले तमाम ब्लॉग सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए।